नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राखी का शास्त्रीय विधान बांधने का क्या है और शास्त्रों में किस प्रकार से राखी को बांधने का सही तरीका बताया गया है, और राखी का चुनाव करते वक्त आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये जो स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है, ये फ्लिपकार्ट पे मैंने वो राखियाँ सर्च की हैं जो कि मुझे शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार बिल्कुल सही लगी हैं। आप फ्लिपकार्ट पर जाकर इन्हें बाय कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, राखियों का चुनाव करने में सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि राखियों में नीला और काला रंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें राहु जिस भी रिश्ते में आ जाता है वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। और दूसरी बात ये गाइस कि राखी का चुनाव करते वक्त ये चीज़ हमेशा श्योर करें उसमें गोल्डन, सिल्वर और ग्रीन, क्योंकि सावन जो है हम हरियाली का प्रतीक होता है और हरियाली से संपन्नता आती है, और गोल्डन और सिल्वर कलर भी शुक्र ग्रह के कलर हैं और ये संपन्नता के द्योतक माने जाते हैं। इसलिए इन रंगों का प्रयोग अवश्य करें अपनी राखी में, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। और आजकल बहुत सी डिज़ाइनर राखियाँ आने लगी हैं, तो राखियों का चुनाव करते वक्त ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखें कि जो भी है वो परंपरागत तरीके से, जैसे स्वास्तिक, ओम और जैसे कि गणेश भगवान, भगवान कोई भी अगर इस तरीके का वो होता है तो बहुत शुभ मानी जाती है राखी। अब जैसे ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है इसमें क्रिस्टल का प्रयोग किया गया है जो कि संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। और गाइस, अब मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले भाई के मस्तक पर, सिर पर आप रूमाल डाल दीजिए, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में खुले सिर से किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का करना अशुभ माना जाता है, इसलिए रुमाल डाल दीजिए। फिर तिलक कीजिए, तिलक करने के बाद भाई के हाथ में नारियल पकड़ाइए, क्योंकि नारियल जो होता है, कभी भाई बहन नहीं अगर मिल पाते हैं गाइस तो आपने हमेशा देखा होगा कि हम लोग जब भैया दूज नहीं कर पाते हैं तो नारियल का तिलक करते हैं, और नारियल का तिलक करते वक्त हमें इसे नारियल को तिलक करते हैं तो नारियल को भाई माना जाता है। भाई को नारियल पकड़ा दीजिए और बाएं हाथ में नारियल पकड़ाइए और राखी बांध दीजिए। राखी बांधने के बाद में आप उनको मिठाई खिलाइए, और मिठाई खिलाने के बाद में आरती कीजिए, और इसके बाद में गाइस सभी भाई अपनी बहन को उपहार दें या जो भी आपका नेक होता है वो दें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।